हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की आपकी पुस्तक जो है खंड ए, राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसकी इकाई 3 राजनीतिक विचारधाराएं का अध्याय 2 जिसका नाम है समाजवाद। बच्चों, आपका जो अध्याय है समाजवाद, उसके कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट समाजवाद। तो बच्चों, हम समाजवाद के तत्व, उसके आशय और उसकी परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है या अलग अलग शब्दों में उसकी परिभाषा को व्यक्त किया है, वो सब कुछ हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं समाज और समाजवाद का प्रमुख अवयव। तो क्या होता है, मतलब जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, वो समाजवाद का एक प्रमुख अवयव है। और कैसे है वो हम देखेंगे। तो समाजवाद समाज को एक ऐसा तत्व मानता है जिसका धीरे धीरे विकास होना चाहिए और जिसमें विकास की प्रक्रिया द्वारा स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, यानी कि वह खुद ही अपने आप को परिवर्तित करने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। और समाज एक समाजवाद के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व या अवयव होता है। समाजवाद केवल समाज के सभी वर्गों के सहयोग से विकास को बढ़ाना चाहता है। और समाज क्या चाहता है, सभी वर्गों के, यानी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो या किसी भी धर्म का हो, सभी वर्गों के सहयोग से वह क्या चाहता है, विकास को बढ़ाना चाहता है। उनका विचार है कि समाजवाद न केवल श्रमिक वर्ग, समाज के सभी वर्गों के लिए हितकारी है और व्यक्तियों को, यानी क्या हम कहते हैं, उनका विचार है, क्या विचार है कि समाजवाद न केवल श्रमिक वर्ग, मतलब वो सिर्फ श्रमिक वर्ग के लिए हितकारी नहीं है, समाज के सभी वर्गों के लिए हितकारी या फिर अच्छा है। और व्यक्तियों को उच्च आदर्शों तथा नैतिकता की अपील कर जनता के बहुत बड़े भाग को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। धैर्य, सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ समाजवाद का प्रचार जनता को विकास के रास्ते पर ले जाएगा और क्रांति की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी अगर धैर्य से, सावधानी से और बुद्धिमत्ता के साथ समाजवाद का प्रचार जनता को, अगर समाज धैर्य के साथ या बुद्धिमत्ता के साथ समाजवाद का प्रचार किया जाए या फिर उसमें अच्छे अच्छे बदलाव किया जाए, तो यह क्या होगा, समाजवाद का प्रचार जनता को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगा और क्रांति की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। विचार और भाषण, प्रेस, मंच, साहित्य के प्रकाशन और अन्य प्रचार साधनों के आधार पर समाजवाद अपना विस्तार करता है। तो वे किन साधनों के माध्यम से अपना विस्तार करता है, भाषण, प्रेस, मंच, साहित्य के प्रकाशन के सहायता से। समाजवाद हमेशा ही वैधानिक साधनों से सत्ता प्राप्त करने में विश्वास करता है। वैधानिक यानी कानूनी साधनों से सत्ता प्राप्त करने में वह विश्वास करता है। समाजवाद के प्रमुख तत्व, अब हम देखेंगे कि समाजवाद के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो धनवानों की बढ़ती हुई आय पर आयकर लगाया जाना चाहिए, यानी जो धनवान लोग जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनकी जो आय होती है, यानी कि जो इनकम होती है, उस पर इनकम टैक्स यानी कि आयकर लगाना चाहिए और प्राप्त राशि का उपयोग निर्धनों के हित में करना चाहिए। और जो अमीर लोगों पे जो आयकर लगाया जा रहा है, जो उनसे जो टैक्स कमाया जा रहा है, उनको उस राशि का, जो गवर्नमेंट को जो राशि प्राप्त हो रही है, जो टैक्स के रूप में या कर के रूप में जो राशि प्राप्त हो रही है, उसका उपयोग कहाँ करना चाहिए, सरकार को कहाँ करना चाहिए, निर्धनों के हित में किया जाना चाहिए। यानी गरीब व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जानी चाहिए, उन पर उस धन का व्यय किया जाना चाहिए, यानी गरीबों के लिए उसका व्यय या उस धन का व्यय किया जाना चाहिए। काले धन का संग्रहण हर हालत में रोका जाना चाहिए, यानी कई बार लोग होते हैं ना, टैक्स नहीं देते, कुछ पैसा छुपा के रखते हैं और ये राशि बहुत बड़ी 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 मात्रा में लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उसका गलत कार्य करते हैं, भ्रष्टाचार वगैरह को बढ़ावा देते हैं और बहुत सारा धन संचित कर लेते हैं। तो काले धन का संग्रहण होता है, उसे हर हालत में रोका जाना चाहिए, यानी कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, कोई कठोर कदम सरकार को उठाने चाहिए। कृषि भूमि पर जोतने वाले का अधिकार होना चाहिए, और जो कृषि भूमि होती है जिस पर किसान खेती करता है, उस पर किसका हक होना चाहिए, जोतने वाले का, यानी कि उस पर कृषि करने वाले का अधिकार होना चाहिए, यानी कि कृषक का, यानी कि किसान का उस पर हक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई गाँव में क्या होता है बच्चों, कि बहुत सारे जो
साहूकार वगैरह होते हैं, वो थोड़े थोड़े पैसों में क्या करते हैं, किसानों की जमीनों को हड़प लेते हैं और उनसे जिंदगी भर तक, जीवन भर तक कृषि करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं और उन्हें पारिश्रमिक भी नहीं देते, उन्हें अपने अधीन दास बनाकर रखते हैं। तो क्या होना चाहिए? कृषि भूमि पर जोतने वाले का ही अधिकार या हक होना चाहिए। उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था पर राज्य का प्रभावी नियंत्रण हो। और जो उद्योग होते हैं या एवं जो बैंक वगैरह होती है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, यानी कि उनको प्राइवेट, जो प्राइवेट बैंकें होती है उन्हें भी सरकारी बना देना चाहिए या सरकार का उन पर हस्तक्षेप होना चाहिए, जिस पर क्या हो, जिससे क्या हो, अर्थव्यवस्था पर राज्य का प्रभावी नियंत्रण हो। तो जो राज्य या सरकार होती है उसका, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर उनका प्रभावी नियंत्रण हो, यानी कि उसमें वह हस्तक्षेप कर पाए। निजी उद्योगों का राज्य द्वारा निर्देशन किया जाना चाहिए। और जो निजी उद्योग यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं या व्यवसाय या उद्योग होते हैं उनमें क्या किया जाना चाहिए, राज्य द्वारा निर्देशन किया जाना चाहिए या निर्देश दिए जाने चाहिए जिससे उनका संचालन सामाजिक हित की दृष्टि से हो, और जिनसे उनको जो उनका संचालन हो रहा है वो सामाजिक हित की दृष्टि से हो। यानी निजी उद्योगों में जो प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं उनमें भी सरकार द्वारा निर्देश, यानी निर्देश दिए जाने चाहिए, निर्देशन किया जाना चाहिए, ताकि क्या हो, अगर कोई गलत चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं या गलत किसी मजदूर के साथ गलत कर रहे हैं तो उन चीज़ों को रोका जा सके और सामाजिक हित की दृष्टि से उनका संचालन किया जा सके। आर्थिक असमानता तत्काल दूर की जानी चाहिए। और आर्थिक असमानता तत्काल दूर की जानी चाहिए यानी बच्चों, अगर कोई व्यक्ति वो अमीर है तो वो बहुत अमीर ही होता चला जाता है, और वो गरीब है तो वो बहुत गरीब ही होता चला जाता है, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है और अमीर व्यक्ति के पास बहुत सारे साधन है। तो इसकी असमानता जो है, इसकी जो इनइक्वालिटी है, उसको तत्काल यानी जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार, उचित पारिश्रमिक व अवकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। और सभी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार या उचित पारिश्रमिक व अवकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। कई बार क्या होता है, कई बार कंपनियों में क्या होता है बच्चों की, जैसे 10 व्यक्ति है, 10 मजदूर है तो एक ही काम को करते हैं, लेकिन 3 व्यक्ति उस काम को करने में बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छे से करते हैं, जबकि 7 व्यक्ति क्या करते हैं, थोड़ा कम काम करते हैं, कम उत्पाद का उत्पादन करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी तनख्वाह जो होती है, उनका पारिश्रमिक जो होता है वो सेम ही रखा जाए, बल्कि जिनकी योग्यता अधिक है या जो अच्छा काम करे, जिनकी क्षमता अधिक है काम करने की, उनको अधिक पारिश्रमिक मिलना चाहिए या अलग या फिर अच्छा वेतन मिलना चाहिए, जिनको कि जिनसे कि उनको उनकी काम करने की लालसा बढ़े और अच्छे प्रकार से या काम कर सके, और उनके लिए कभी कभी अवकाश की व्यवस्था भी करनी चाहिए। राज्य के द्वारा अधिकाधिक कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे नागरिक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। और राज्य के द्वारा और सरकार के द्वारा अधिक से अधिक कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना चलाई जानी चाहिए जिससे कि उनके जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों से वे वंचित हैं, शिक्षा से वे वंचित हैं। कई लोग तो बीमारी में अपना इलाज भी नहीं करा पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो सरकार को क्या करनी चाहिए, कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे क्या हो, उनके बच्चे भी पढ़ सके, लिख सके और वे भी अपना इलाज वगैरह करा सके और वह भी स्वस्थ रह सके। तो सरकार को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे नागरिक सुखी जीवन व्यतीत कर सके या जी सके। आर्थिक विकास हेतु नियोजन की पद्धति को अपनाना चाहिए। और आर्थिक विकास हेतु नियोजन की पद्धति क्या होती है, मतलब पहले से योजना बना के रखना चाहिए, पहले से योजना बना लेनी चाहिए। तो पहले से योजना बनाने की पद्धति को अपनाना चाहिए, किसके लिए, आर्थिक विकास के लिए। अब हम देखेंगे बच्चों की समाजवाद के गुण, कि समाजवाद में क्या क्या गुण होते हैं। यह व्यक्ति और समाज दोनों के हितों का समान रूप से ध्यान रखता है। और समाजवाद क्या करता है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति और समाज दोनों के हितों का समान रूप से ध्यान रखता है। यानी ये व्यक्ति के हित के लिए समाज का हनन नहीं करेगा और समाज के हित के लिए व्यक्ति का हनन नहीं करेगा, यह समान रूप से दोनों का ध्यान रखता है। यह पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के ही दोषों से परिचित है। और यह पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के ही दोषों से परिचित है, यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के ही दोष जो हैं, उनकी जो बुराइयाँ हैं वह समाजवाद को पता है या समाजवाद उनसे परिचित है और अपने को उनसे दूर रखने के लिए प्रयत्नशील है। और समाजवाद कोशिश करता है कि पूंजीवाद और समाजवाद में जो बुराइयां हैं, जो दोष है, वह उससे दूर रहे उसके लिए प्रयत्नशील क्या होता है, कोशिश कर रहा है मतलब।
और समाजवाद व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विश्वास करता है। और समाजवाद क्या करता है, व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विश्वास करता है और इस दृष्टि से अधिक संभव सीमा तक व्यक्तियों को नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं चाहता वरन सामाजिक हित में उसे केवल सीमित करने के पक्ष में है। यानी कि बच्चों, समाजवाद निजी संपत्ति को, यानी कि पूंजीवाद की जो पूंजीवाद होता है उसमें क्या हो, निजी जो लोग होते हैं, निजी कंपनियां होती है, वो अधिक प्रभावी होती है। तो समाजवाद निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं चाहता परन वह चाहता है कि सामाजिक हित में उसे केवल सीमित करने पर, यानी वह सीमित कर दे कि लोग इतना, मतलब निजी जो सेक्टर है या निजी जो उद्योग है वो उनमें क्या हो, मतलब राज्य का भी उसमें हस्तक्षेप हो, जिससे कि क्या हो, निजी उद्योग वगैरह जो है वो समाज के हित में कार्य करे या फिर समाज को नुकसान ना पहुंचाए। समाजवाद मानवीय जीवन को व्यवस्थित करने में धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है और सभी के धर्मों के सार मानव धर्म पर आधारित हैं। यह आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण का मार्ग अपनाता है। सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए और सत्ता क्या होना चाहिए, जो अथॉरिटी, वो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य के प्रति, और मतलब जनता क्या होती है, उसको निर्वाचित करती है, सबको अपने मंत्री वगैरह बनाती है, तो वह जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए या फिर वह जवाबदेह भी होने चाहिए। यह समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में सहायक है। समाजवाद के दोष, अब हमने देखा कि समाजवाद में बहुत सारे गुण भी होते हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती है, लेकिन समाजवाद में क्या होता है, बहुत सारी बुराइयाँ भी होती है। वो बुराइयाँ कौन कौन सी हैं हम देखेंगे। तो कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं, यानी जो समाजवाद है उसमें कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। समाजवाद में अस्पष्टता और अनिश्चितता है, यानी अस्पष्टता है इसमें, यानी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है और अनिश्चित है। उदाहरण के लिए कुछ समाजवादी राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं तो कुछ अन्य समाजीकरण पर। निजी संपत्ति पर किस सीमा तक नियंत्रण रखा जाए, इस संबंध में भी समाजवादियों ने व्यापक मतभेद है। दूसरा है एक दूसरे के विरोध को स्थान, और समाजवाद में क्या होता है, एक दूसरे के विरोध को, विरोधी तत्व होते हैं उनको बहुत बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। जनतंत्र स्वतंत्रता में विश्वास करता है, जबकि समाजवाद नियंत्रणों की व्यवस्था में। जनतंत्र और समाजवाद एक दूसरे के क्या है, परस्पर विरोध के कारण समाजवादियों की विचारधारा में भी विरोधाभास है। तीसरा है प्राकृतिक संभावनाओं के विरुद्ध, यह विचारधारा समानता की धारणा पर आधारित है किंतु पद्धति की दृष्टि से मनुष्य समान नहीं है। यानी प्रकृति जो होती है, जो हमारा नेचर है, उसकी दृष्टि से क्या है, मनुष्य समान नहीं है। उसमें शारीरिक शक्ति और बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। हम देखते हैं कि कई व्यक्ति होते हैं जो होते हैं, मतलब उन्हें प्रारिक मतलब जो प्राकृतिक होती है, जो प्राकृतिक समानताएं होती है वो नहीं है। प्राकृतिक रूप से अलग अलग है या अलग अलग भिन्नताएं हैं। भ्रष्ट व्यवस्था को संरक्षण, और समाजवाद क्या करता है, जो भ्रष्ट जो व्यवस्था है उसको संरक्षण देता है। समाजवाद में क्या होता है, राज्य की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती है और व्यवहार में राज्य इन शक्तियों का प्रयोग नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। मतलब क्या होता है इसमें बच्चों कि है ना, मतलब है ना, जो होते हैं ना शक्तियां, राज्य को बहुत सारी शक्तियां मिल जाती है और उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, नौकरशाह करते हैं। जैसे कि पुलिस वाले वगैरह होते हैं, वो गलत तरीके से व्यवहार भी करते हैं, हम देखते हैं आए दिन अखबार वगैरह में, तो वे क्या करते हैं, उन शक्तियों का प्रयोग भी अलग गलत तरीकों से करते हैं। तो इसलिए इसकी बुराइयां हैं। उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान, उपभोक्ता के जो हित होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है या उनका हनन होता है। समाजवाद में उत्पादन पर राज्य का अधिकार स्थापित हो जाने से उपभोक्ता की संप्रभुता समाप्त हो जाती है। तो उसकी जो संप्रभुता है यानी कि वह समाप्त हो जाती है, उसे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं नहीं मिल पाती। और पता है निजी स्वामित्व जब रहता है तो अलग अलग प्रकार की वस्तु मिल जाती है, हमारे पास विकल्प रहते हैं। लेकिन अगर उत्पादन के साधनों पर राज्य का ही अधिकार स्थापित हो जाने से क्या होगा, हमारे पास विकल्प सीमित होंगे, तो क्या होगा, उपभोक्ता की संप्रभुता समाप्त हो जाती है।
निष्कर्ष, अब हमने जो ये पार्ट पढ़ा है बच्चों समाजवाद, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, हमने जो इतनी सारी बातें सीखी है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। समाजवाद की उपयुक्त प्रकार से आलोचनाएं की जाती है, लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जाता है कि इन आलोचनाओं का सैद्धांतिक दृष्टि से ही कुछ महत्व हो सकता है। जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, हमारे प्रमुख प्रजातंत्र के समान ही समाजवाद का कोई विकल्प नहीं है, यानी कि जिस प्रकार प्रजातंत्र आवश्यक है उसी प्रकार समाजवाद भी आवश्यक है और इसका कोई एक दूसरे का कोई विकल्प नहीं है, यानी कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों हमने हमारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है समाजवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।